तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास MI A2 का फ़ोन है जो कि एक स्टूडेंट का है और ये पूरा वर्किंग फ़ोन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, पूरा एक ऑन कंडीशन में फ़ोन है। इसका इशू ये है, मतलब इसका स्टोरेज अपडेट करना है। इसके अंदर 4 GB रैम 64 GB का स्टोरेज है, इसको एक्सटेंड करना है, 6 GB रैम 128 GB का स्टोरेज करना है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि इसके अंदर EMMC को चेंज करना, ठीक है। अगर आपकी EMMC पुरानी डेट भी है तो भी आप उसको चेंज कर सकते हैं इजी में, या फिर अगर आपकी पुरानी चालू है और कोई कस्टमर ऐसा होता है कि किसी को स्टोरेज बढ़ा के चाहिए तो आप वो भी काम कर सकते हो। अपग्रेड करना है अपग्रेड करो, या आपको डाउनग्रेड करना है डाउनग्रेड भी कर सकते हो आराम से, लेकिन कस्टमर को डाउनग्रेड पसंद नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें सिखाऊंगा, एक तो एक है तरीका MMC चेंज करना और दूसरा तरीका है अपग्रेड करना, स्टोरेज को भी अपग्रेड करना। तो कैसे कर सकते हो ये सारा आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और दूसरी बात, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ पहले तो फ़ोन कि इसके अंदर स्टोरेज है कौन सा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 64 GB वाला यूज्ड ऑफ 64 GB बता रहा है, और ये फ़ोन पूरा वर्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। IMEI नंबर सब कुछ इसमें सब कुछ है, बेसबैंड वगैरह सब कुछ है, ठीक है, इसमें सारा कुछ है देख सकते हैं। और इसके अंदर सिर्फ हमें स्टोरेज चेंज करना है। तो मैं आपको इसका बैकअप, ये पुराने MMC का कुछ भी बैकअप नहीं लूँगा। अगर आप डायरेक्टली भी लेंगे इसका सिक्योरिटी बैकअप करके अगर आप दूसरे MMC में डालोगे तो आपको यहाँ पर सिक्योरिटी रिपेयर करने की नौबत ना आएगी। लेकिन आपको हर बार ऐसा नहीं होगा, हर बार कस्टमर आपको अपग्रेड के लिए नहीं आएगा, MMC डेट के लिए भी आ सकता है। तब आपको उसका सिक्योरिटी कैसे रिपेयर करोगे, तो उसमें मैं आपको वो भी बताऊंगा कैसे रिपेयर करना है। तो ये सारा जो चीज़ है ये ऑलरेडी चैनल पे बहुत सारे लोग ने बना चुके हैं। इसका A2 है मॉडल MI A2, तो ये हमारे फ्रेशर्स स्टूडेंट के लिए है जो हमारे पास जो हमारे चैनल को देख कर सीखते हैं, ये उन लोगों के लिए मैं हमेशा बनाता हूँ, हमेशा ये सब चीज़ें उन लोगों के लिए होता है। ऑलरेडी जो बनाता है बना चुका है ये उन लोगों के लिए वीडियो तो बेकार ही है, क्योंकि वो अपना टाइम वेस्ट यहाँ अगर कर रहे हैं तो ये तो उनकी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। हम नहीं बोलते कि आप हमारे ऑलरेडी काम करते हैं तो हमारे चैनल को ये आप देख लो, ठीक है। तो ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जो नए भाई GSM फील्ड में आते हैं, नया काम शुरू करते हैं, जो सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है। पहले से बता रहा हूँ मैं, ये बात समझ लो। तो मैं ऑलरेडी ये फ्रेशर्स लोगों के लिए ही सपोर्ट करते हैं हम लोगों। तो मैं सबसे पहले इसका MMC रिमूव करूँगा, और मेरे पास इसका जो दूसरा MMC डालना है 6128, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी मैं इसका RPM भी क्लीन करके हूँ, ऑथेंटिकेशन की नॉट येट प्रोग्राम आप देख सकते हैं, और यहाँ पर स्टोरेज देख सकते हैं 116, मतलब एक 128 GB का स्टोरेज है, सैमसंग का MMC लगा हुआ है। मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, ये हमारा MMC है, आप देख सकते हैं इसका सैमसंग का कोड जो नंबर है, एक बार अच्छे से मैं क्लियर करके दिखाता हूँ, ठीक है। एक बार मैं माइक्रोस्कोप में दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो मैं ये MMC 6128 GB का स्टोरेज है, मैं यहाँ पर आपको इसका प्रोग्रामिंग करके दिखाऊंगा, और पूरा प्रोग्रामिंग इसका UMT से ही होगा। इसकी जो स्पेशल फाइल ये होती है MMC चेंज वाली फाइल, बहुत सारे लोग मार्केट में परेशान होते हैं, इसकी फाइल प्रॉपर नहीं मिलती, कभी ये फर्स्ट लोगों पे स्टक अप हो जाता है, कभी ये डायग्नोस्टिक ऑटोमेटिक बनाना शुरू कर देता है, फ़ोन प्रॉपरली ऑन नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आ रही है मार्केट में, इसकी प्रॉपर फाइल नहीं है। तो हम आपको इसकी फाइल भी आपको फ्री में देंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से उसका डाउनलोड कर लो, और QCN फाइल भी मैं आपको लिंक में दे दूंगा, आप वो भी डाउनलोड करके इसका प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी रिपेयर करेंगे विथ नेटवर्क के साथ। बहुत जगह में प्रॉब्लम आ रही है कि नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, तो ये सारा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। हम आपको ये फाइल हमारे तरफ से फ़ोन फिक्स की तरफ से आपको ये मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, ये पेड वाली फ़ाइल होती है लेकिन हमारे स्टूडेंट के लिए और फ्रेशर्स के लिए ये हम उनको फ्री में देते हैं। तो यहाँ पर भी हम बहुत सारे फाइल आपको फ्री में भी देते हैं फ़ोन फिक्स में, जब आप आओगे तब आपको यहाँ पर भी बहुत सारे टेस्टेड फाइल हम फ्री में देते हैं। तो ये तो हम आपको फ्री में देंगे लिंक इसकी। तो चलो इसका हम नेक्स्ट काम करते हैं, सबसे पहले ये फ़ोन को ऑफ़ कर लेंगे, ठीक है। इसके हमें बैटरी रिमूव कर लेते हैं, तो सबसे पहले इसको हम
इसका पुराना MMC जो है वो हम यहाँ पर लाइव आपको रिमूव करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम माइक्रोस्कोप पे आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में, इसके अंदर जो EMMC लगी है पुरानी, आप देख सकते हैं इसका नंबर जो है B422, जो इसका नंबर है KMDH6001D है। ये इसके अंदर अभी जो चल रही है 4GB 64GB का ये स्टोरेज है, और हम जो लगाएंगे ये वाला EMMC लगाएंगे। नंबर देख सकते हैं आप B705 KM3B6001CM B705, ये हमारी 6GB 128GB का स्टोरेज है, तो ये हम इसके अंदर फिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले ये EMMC को हम रिमूव कर लेते हैं, पुरानी वाली EMMC को। और यहाँ पर ये जो दूसरी EMMC है हमारी 6128, ये हम इसको इस पर फिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये EMMC पूरी तरह से ब्लैंक है, RPM भी क्लीन है, इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है। हम इसको पूरा प्रोग्रामिंग USB से UMT से फ्लैश करेंगे, तो हम इसको ब्लैंक ही लगा लेंगे RPM भी क्लीन करके। तो इसका ऑलरेडी RPM भी क्लीन किया हुआ है, मैं इसको डायरेक्टली फिक्स कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये MMC फिक्स हो गई हमारी, और ये अभी थोड़ा सा कूल होने देंगे, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसको डायरेक्टली ये पोर्ट बनाएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी फर्मवेयर नहीं है, ये पूरी तरीके से ब्लैंक है। और मैं इसको जैसे कनेक्ट करूँगा फ़ोन को PC से, तो ये डायरेक्टली ऑटो पोर्ट बनाएगा कॉलकॉम का, QD लोडर 9008 का जो पोर्ट होता है ये डायरेक्टली बनाएगा, और इसके हम इसमें इसको डायरेक्टली UMT से फ्लैश करेंगे और फ़ोन को ऑन कर लेंगे। इसके अंदर हम फ़ोन को ऑन कर लेंगे, इसके बाद जब इसका सिक्योरिटी रिपेयर करना है तो इसको हम इंजीनियरिंग रूम नहीं डालेंगे, हम डायरेक्टली इसका डायग्नोस्टिक पोर्ट इनेबल करके इसका हम सिक्योरिटी रिपेयर करेंगे। बहुत सारे इसका इंजीनियरिंग रूम मिल जाता है मार्केट, आप इंजीनियरिंग रूम भी डाल के इसका डाइक पोर्ट इनेबल डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको वापस से नॉर्मल फाइल डालकर MIUI फाइल डाल के ऑन करना होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम चला जाएगा आपको इंजीनियरिंग में। तो वही टाइम हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, इंजीनियरिंग रूम नहीं डालेंगे, इसमें टाइम हमारा उतना वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा इसका हम MIUI का फाइल डालेंगे और इसका डाइक पोर्ट डायरेक्टली ओपन करके हम इसका सिक्योरिटी रिपेयर कैसे करते हैं UMT से ही सारा कुछ काम
होगा। बहुत इजी वर्क है, आप आराम से कर सकते हैं, बहुत इजी वर्क है। बस फाइल का दिक्कत होता है, फाइल आपको प्रॉपर नहीं मिलती है, वो हम आपको लिंक भी दे देंगे उसका, आप आराम से, कोई पासवर्ड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप आराम से डाउनलोड करके फ्लैश कर लो और आपका काम कंप्लीट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 6128 का स्टोरेज लगा दिया है और पुराने वाली स्टोरेज यहाँ पर साइड में रखा हुआ है, तो हम इसको साइड में ही रखेंगे और ये वाले इस पर पूरा काम करेंगे हम, ठीक है, ये हमने फिक्स कर लिए है। तो चलो सबसे पहले मैं इसको बोर्ड में लगा के इसका डायरेक्ट पोर्ट, इसका क्वालकॉम का पोर्ट डायरेक्ट बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको पहले फिक्स कर लेंगे बोर्ड। इसका डिस्प्ले जैसा आईफोन के जैसा होता है, फ्रंट से लगेगा, तो इसका डिस्प्ले हम अभी नहीं लगाएंगे, इसका फ़ोन फ्लैश होने के बाद लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका डायग्नोस्टिक, सॉरी क्वालकॉम का ADL जो पोर्ट बनता है, ये ऑटो पोर्ट बना देगा। मैं आपको पहले इसका पोर्ट चेक करा लेता हूँ कि ये फ़ोन पोर्ट बना रहा है या नहीं बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं, कभी भी क्वालकॉम का अगर ऑटो पोर्ट बना रहा है 10 सेकेंड के बाद बना लेगा। देखो यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्वालकॉम का पोर्ट यहाँ पर बन गया है। ठीक है, यहाँ पर क्वालकॉम HS-USB QD Loader 9008 का पोर्ट बन गया, मतलब मेरा फ़ोन पूरा पोर्ट ओके है और इसको सिर्फ नॉर्मल फ्लैश करने की ज़रूरत है। तो मैंने आपको जो लिंक दिया है वो आप लिंक डाउनलोड कर सकते हो और मेरे पास वो फाइल ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। मैं सीधा UMT यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ और क्वालकॉम का QC फायर का टूल ओपन कर लेंगे। तो सबसे पहले ये टूल ओपन होने देंगे, उसके बाद इसकी फ्लैश फाइल ऑलरेडी मैंने एक्सट्रैक्ट करके रखा हूँ। एक बार मैं आपको वो फाइल दिखा देता हूँ, कौन सी फाइल मैं आपको जो लिंक दिया, MIA2। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है जैस्मिन, इसका प्रोडक्ट कोड होता है, फ्लैश फाइल का नाम होता है जैस्मिन ग्लोबल इमेज और इसका एंड्रॉयड MIUI 10 तक ही आया है, इसमें 11 और 12 नहीं आया है, ये 10 तक ही कंपनी ने इसका अपडेट यहाँ तक ही दिया है। तो इसका लास्ट वर्जन जो है वही हम जो MIUI 10 है वही है हमारे पास। और ये जो फाइल है ये मॉडिफाई किया हुआ फाइल है, इसके लिए ये आपको मार्केट में बहुत कम जगह मिलेगा, मतलब हो सकता है आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो ये जो फाइल मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ यही फाइल होगी, इसको कुछ भी नहीं करना है, मॉडिफाई सीधा डाउनलोड करना है और एक नॉर्मल जैसे फ्लैश करते उस तरह से फ्लैश करना है, फ़ोन को ऑन कर देना है, इसमें कोई सेकेंड लोगो फर्स्ट लोगो पे स्टक नहीं होगा, सीधा फ़ोन ऑन हो जाएगा। और इसके साथ में यहाँ पे QCN फाइल भी मैंने आपको लिंक दे दिया है, इसके अंदर इंजीनियरिंग भी रोम है मेरे पास, लेकिन इंजीनियरिंग की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए मैंने आपको इंजीनियरिंग लिंक नहीं दिया। ये सेट लगा लेंगे UMT। ठीक है, तो यहाँ पर QC फायर का टूल ओपन होने देंगे, उसके बाद इसकी रो प्रोग्राम जीरो और पैच जीरो की फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर पोर्ट तो डायरेक्टली बना दिया और फ़ोन को स्टार्ट कर लेंगे फ्लैशिंग में। तो बहुत इजी तरीका है AMMC चेंज करना, कोई भी फ़ोन का MI का जितने भी टाइप के आपके AMMC चेंज करना है, किसी का डाउनग्रेड करना है स्टोरेज, किसी को अपग्रेड करना है, बहुत इजी वर्क में मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझाऊंगा। किस में आप कोई भी MMC किसी में भी नहीं लगा सकते, इसका कॉम्पेटिबल भी लगाना होता है, इसके CID नंबर मैच करने होते हैं, प्रोडक्ट नंबर मैच करना होता है, ये सारे चीज़ें हम यहाँ पे क्लास में बताते हैं आपको, पूरा एकदम बेसिक से बताते हैं। तो ये ऑलरेडी मैं डायरेक्टली आपको बताया नहीं इस वीडियो में कि कैसे कॉम्पेटिबल मैंने ये 6128 का स्टोरेज लिया, तो ये मैंने, मुझे पता है इसका नंबर, तो ये सारे चीज़ें मैं आपको भी बता दूंगा आप यहाँ जब क्लास ज्वाइन करेंगे और आपको लाइव यहाँ पर सिखाया जाएगा ये सारे चीज़ें कि कैसे चेंज करना होता है, कैसे अपग्रेड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले टूल ओपन हो गया है और मैं यहाँ पर प्रोग्राम और पैच को टिक लगा के मैं सबसे पहले इसकी फ़ाइल को लोड कर लेता हूँ। तो आते हैं, मेरी यहाँ पर भी फ़ाइल हो गई। सबसे अच्छा है कि आप डेस्कटॉप पे फाइल हमेशा रख कर ही फ्लैश किया करें तो बेस्ट होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जैस्मिन जो ग्लोबल MMC ओनली बोलकर फाइल है, मैं ये एक्सट्रैक्ट किया हुआ हूँ, इसको मैं
फाइल लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारी फाइल लग गई, पैच जीरो को भी लगा लेंगे और यहाँ पर फ्लैश पे क्लिक कर लेंगे। तो हमारा अभी यहाँ पर पोर्ट तो बना हुआ है और फ्लैशिंग भी यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्ट हो गई है। तो वेट करेंगे, यहाँ पर देखना है कि स्टोरेज इसने एक्सेप्ट किया नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर आपको शो करेगा अगर 128 GB स्टोरेज एक्सेप्ट किया तो यहाँ पर शो भी करता है, अगर आपका स्टोरेज डिटेक्ट नहीं हुआ तो यहाँ पर डिटेक्टिंग स्टोरेज टाइप फेल्ड हो जाता है। तो देखते हैं, यहाँ पर डिटेक्टिंग स्टोरेज टाइप अभी आ गया है और यहाँ पर देख सकते हैं ओके हो गया, मतलब स्टोरेज ले लिया और 128 GB भी यहाँ पर आपका शो करना स्टार्ट हो गया, मतलब स्टोरेज एक्सेप्ट हो चुका है और हमारा अभी यहाँ पर फ्लैशिंग का काम शुरू हो गया है। और वेट करते हैं, इसको 5 मिनट्स टाइम लगेगा। तो हमारे यहाँ पे इस ये वाला स्क्रीन को रुका देते हैं, हमारी यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं फ्लैश हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, देख सकते हैं यहाँ पर फिनिश ऑपरेशन फिनिश आ गया है। और चलो हमारे यहाँ पे फ़ोन पे चेक करते हैं, इसको हम यहाँ पर बैटरी और डिस्प्ले को लगा लेते हैं। ठीक है, और एक बार चार्जिंग लगा के देखते हैं कि ये फ़ोन हमारा कुछ लोगो वगैरह शो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, एक बार देखते हैं फ़ोन फ्लैश आफ्टर फ्लैश के बाद क्या कंडीशन पे है। तो देख सकते हैं आपका यहाँ पर स्क्रीन आ चुका है एंड्रॉयड 1 का, मतलब फाइल हमारी इसमें एक्सेप्ट हो गई और AMMC भी हमारी एक्सेप्ट हो गई है। तो वेट करते हैं चार्जिंग का लोगो शो करेगा या डायरेक्टली ऑन हो जाएगा, एक बार देखते हैं। तो जैसे कि ये डायरेक्टली ऑन हो रहा है और बहुत सारे यूट्यूब पे भी या बहुत सारे टेक्नीशियन भाइयों को प्रॉब्लम आ रही है A2 में कि ये जो सेकेंड लोगो चल रही है फ़ोन इसी पे ही स्टक हो जाता है, फ़ोन प्रॉपरली पूरा ऑन नहीं होता और इसी पे ही स्टक हो जाता है। तो ये जो चीज़ें होती है, एक तो फाइल आपकी प्रॉपर नहीं होती है या फिर हो सकता है आपका AMMC को कोई रैम का लाइन नहीं लगा हो या प्रॉपर तरीके से AMMC लगी नहीं हो, उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है आपका। तो ज़्यादातर अक्सर मैंने ये सारी चीज़ें फ़ाइल में ही देखा है, तो मैंने आपको ये फ़ाइल का लिंक दे दिया है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, पूरा टेस्टेड ओके फाइल है और आपके सामने लाइव ये यहाँ पर ये फ्लैश होके आपके सामने ऑन हो जाएगा। आप देख लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगता है फर्स्ट टाइम ये ऑन होने में। ठीक है, इसके बाद ऑन होने के बाद इसका सिक्योरिटी हम रिपेयर करेंगे, इसका सिक्योरिटी और इसके फ़ोन में ही आता है, स्टिकर होता है एक सिंगल आई में होता है, वो आ जाता है, आप उसको बना सकते हैं। और याद रखिए, ये सारे जो इलीगल वाले वर्क है, आप किसी का भी फ़ोन का नहीं डालना है, किसी और का नहीं डालना है, जो फ़ोन का है जिसके साथ स्टिकर लगकर आता है पैनल पे, बिल होता है, बॉक्स होता है, ये सब के ऊपर इसके सिक्योरिटी IMEI नंबर होती है, आप वहाँ से उसका कॉपी, मतलब वहाँ से उसका आप ओरिजिनल वाला ही इसके अंदर रिस्टोर करना है, कभी भी किसी और का नहीं डालना है। तो यहाँ पर वेट करते थोड़ा सा। तो इसमें हमने इंजीनियरिंग रोम नहीं डाला है, सीधा सीधा हमने इसका फ्लैश फाइल MIUI 10 वाली फाइल डालकर फ्लैश कर दिए और इसके बाद ऑन हो रहा है। और इसके बाद हम इसका डायग्नोस्टिक पोर्ट इनेबल करेंगे, वो भी मैं तरीका बताऊंगा किस तरह होगा और UMT से कैसे इनेबल करना है। तो ये सारे जो तरीका है क्वालकॉम का, MI के जितने भी क्वालकॉम हैं सब में यही तरीका यूज़ कर सकते हैं आप। कोई भी फ़ोन रहने दो, MI, Note 8, Note 7, Note 7 Pro, Note 5, Note 5 Pro, 5, 6, जितने भी टाइप के मॉडल आपके पास आ जाएंगे,
EMMC चेंज किए, तो मैं आपको ये सिर्फ MI A2 का नहीं बता रहा हूँ, ये सारे MI के क्वालकॉम में जितने भी मॉडल्स होते हैं ये सब में आप यही तरीका यूज़ कर सकते हैं। किसी का स्टोरेज बढ़ाना है आप बढ़ा के दे सकते हो, और बस आपके पास फाइल होनी चाहिए। मेन चीज़ इसी के अंदर ये है आपका MMC चेंज में, फाइल। अगर फाइल प्रॉपर है तो ही आपका MMC सही तरीके से चेंज होगा और फ़ोन ऑन होगा, ठीक है। और बहुत बार किसी के फ़ोनों में नेटवर्क भी नहीं आता है, नेटवर्क का QCN फाइल भी नहीं होता है प्रॉपर, तो वो भी सारी चीज़ें जो है वो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप अच्छे से नॉलेज लीजिए इसका, MMC चेंज कैसे होता है, QCN फाइल कहाँ से डालती है, टेस्टेड QCN कैसे बनाते हैं, ये सारा चीज़ें आपको हम क्लास में बताते हैं लाइव, और आपके हाथों से भी बनाते हैं हम लोग। तो वेट करते हैं, और आपको नीचे जो नंबर दिए गए नंबर है आप इस पर अपनी सीट बुक करके कॉल कर सकते हैं। और आपको नेक्स्ट बैच हमारा 27 अप्रैल चल रहा है, 27 बुक सीटिंग चल रही है, बुक सीट बुक हो रही है 27 अप्रैल का, ठीक है। अभी मार्च का तो हमारा बैच चालू है, 27 अप्रैल का सीट बुकिंग चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते फ़ोन ऑन हो गया, वेलकम स्क्रीन आ गई है, स्टार्ट कर लेंगे हम यहाँ से, स्किप कंटिन्यू और नेक्स्ट। स्किप कर लेंगे यहाँ पे, तो ये फाइल जो है पूरी तरह से टेस्टेड है और वर्किंग फाइल है। आप कोई भी जगह पे स्टक अप नहीं हो सकते, आपका पूरा फ़ोन प्रॉपर तरीके से ऑन हो जाएगा। बस आपको ये फाइल की ज़रूरत है, आपको लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोन मेरा मेनू पे आ चुका है और ऑन हो गया पूरी तरीके से। एक बार मैं इसका स्टोरेज दिखा देता हूँ, इसका स्टोरेज यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पर 64 का शो कर रहा था, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 128 GB का स्टोरेज शो होना स्टार्ट हो गया, मतलब अभी ये हमारा स्टोरेज प्रॉपर तरीके से हो गया है। इसमें आपका एंड्रॉयड वाले फ़ोन में बेस बैंड का प्रॉब्लम नहीं होता है, इसमें बेसबैंड ओके रहता है, सिर्फ IMEI नंबर नहीं होता है। एक बार मैं आपको बेसबैंड भी दिखा देता हूँ, इसमें बिल्ड नंबर आता है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर बिल्ड नंबर आता है, बिल्ड नंबर पूरी तरह से ओके है। सिर्फ इसमें मैं आपको IMEI नंबर दिखा देता हूँ, इसमें कुछ भी शो नहीं होगा, सॉरी, देख सकते हैं सीरियल नंबर है बस इसके अंदर, और इसमें कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो इसका मैं रिपेयर करूंगा, इसका जो सिक्योरिटी है इसके अंदर ही हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टिकर लगा हुआ है, रिंगर स्पीकर के पास जो स्टिकर है यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इसका ये सिक्योरिटी जो है मैं यहाँ पर इसका राइट कर लेता हूँ। सबसे पहले इसका हम इनेबल करेंगे डाइक पोर्ट, हाउ टू इनेबल डाइक पोर्ट, इसका मैं आपको तरीका बताऊँगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको प्रोसेस नंबर वन, सबसे पहले अबाउट फ़ोन में आएंगे और बिल्ड नंबर पे आपको 7 times क्लिक करना है डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करने के लिए। यहाँ पर ये इनेबल हो चुका है, उसके बाद इसका डेवलपर ऑप्शन यहाँ पर आएगा, सिस्टम में आ जाना है, डेवलपर ऑप्शन में आ जाना है, उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन को इनेबल करना है, OEM अनलॉकिंग को इनेबल कर लेना है यहाँ से, दूसरा ऑप्शन होगा USB डिबग, यहाँ से USB डिबगिंग को इनेबल कर लेना है। इसका जैसे आप करोगे आपको यहाँ पर डिवाइस मैनेजर में ADB का पोर्ट बनाना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डायग्नोस्टिक पोर्ट को इनेबल करने के लिए सबसे पहले ADB का पोर्ट इनेबल करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं केबल को रीइंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद जैसे आप यहाँ पर केबल लगाएंगे यहाँ पर आपको MIDI पे क्लिक करना है, USB जैसे आप ऑप्शन पे क्लिक करोगे MIDI पे कर लो या फाइल ट्रांसफ़र पे कर लो, आपको जो मर्जी है। एक बार मैं MIDI पे क्लिक करके देखता हूँ, मुझे यहाँ पर ADB का पोर्ट मिलना चाहिए, तो अभी तक ये नहीं आया, एक बार फिर से रिकनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है,
थोड़ा केबल में लूज कनेक्शन है, एक बार अच्छे से लगा लेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं मैंने फाइल मैनेजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ADB का पोर्ट बना लिया है, एंड्रॉयड कंपोजिट ADB इंटरफेस। ये सबसे पहले आपको ये पोर्ट बनाना है, उसके बाद आपको वापस से UMT पे आना है कॉलकॉम के, और Xiaomi स्पेशल टैब में आ जाना है। उसके बाद आपको ADB इनेबल डायरेक्ट ADB पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर देख सकते हैं दो ऑप्शन आएंगे, एक Xiaomi न्यू मेथड नो रूट और एक Xiaomi ओल्ड मेथड। आप दोनों में से भी किसी से भी कर सकते हैं, आप न्यू वाले से कर लो, न्यू वाले से यस कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रोसेस होगी, आपको यहाँ पर एक अलाउ करने के लिए ऑप्शन आएगा, ADB इंटरफेस के लिए अलाउ करना है, बस यहाँ पर आपको ग्रैंड दे देना है, ओके कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर ओके हो गया फ़ोन में। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर फाउंड हो गया है, मॉडल डिवाइस आ चुका है, और यहाँ पर आप देख लो एक बार, यहाँ पर एक ओके करना है सबसे पहले आपको। ठीक है, यहाँ पर ओके हो गया। अब यहाँ पर आपको डिवाइस मैनेजर में आपका पोर्ट बन जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर डायग्नोस्टिक पोर्ट बन गया है, क्वालकॉम HS USB डायग्नोस्टिक 9091, ये आपका पोर्ट बन गया है। और अब इसके बाद हमें चाहिए QCN फाइल, और इसका जो सिक्योरिटी होता है वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको रिपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट पोर्ट इनेबल हो गया। उसके बाद हम आते हैं रीड एंड टूल्स में, रीड एंड टूल्स में आने के बाद रिस्टोर QCN करना होगा। रिस्टोर QCN करने के बाद आपको QCN फाइल भी मैंने लिंक में दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर वो डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर आकर उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर हमने QCN फाइल को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद इसका सिक्योरिटी बताएगा कि आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर ओके कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इंटर IMEI 1 और IMEI 2 यहाँ पर ऑप्शन आ गया है, तो मैं यहाँ पर इसका सबसे पहले 1 वाला डाल देता हूँ, 86। फाइन, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में हम इसमें इंटर कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर ओके कर लेंगे। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पर रिस्टोर QCN डाटा हो रहा है। इसके बाद ये जैसे डन हो जाएगा आपको फ़ोन को रिबूट करना है, रिबूट करने के बाद आप इसके अंदर डायरेक्ट देख सकते हैं सिक्योरिटी आपका आ जाएगा। इसमें कोई भी रजिस्टर को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि DOL IMEI के लिए बहुत सारी जगह पे NVIDIA डाटा स्क्रप्टेड का प्रॉब्लम आता है, जिसमें आपको RSA का रजिस्टर हटाना होता है। ठीक है, तो वो चीज़ इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये सिक्योरिटी रिपेयर हो चुका है, और फ़ोन को हम यहाँ पर डिसकनेक्ट कर लेंगे और रिबूट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली बैटरी निकाल के लगा लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर ऑन हो रहा है, और मैं आपको यहाँ पर इसका सिक्योरिटी बता देता हूँ कि ये रिपेयर हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये बहुत इजी वर्क में है, बहुत इजी आप IMEI चेंज कर सकते हैं, कोई भी MI का फ़ोन का आराम से कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा फाइल की और टेक्निक की नॉलेज होनी चाहिए, तरीका होना चाहिए काम करने का। ठीक है, तो यहाँ पर फ़ोन ऑन हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम एक बार आपको डायलर में आके दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं इसमें दोनों भी सिक्योरिटी आ चुकी है, और एकदम आप वन क्लिक में ये काम कर लिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आराम से आप ये सिक्योरिटी रिपेयर और इसका IMEI चेंज अपग्रेड डाउनग्रेड कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। MI का कोई भी मॉडल रहने दो, इसके अलावा भी ओप्पो वीवो में भी मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारे चैनल पे, हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ है वीवो के भी, हमने IMEI चेंज करके इसका सिक्योरिटी रिपेयर करके भी बताया है, ओप्पो में बताए हैं। ठीक है, बहुत सारे मॉडल में भी हमने बना के दिखाए हैं, सिर्फ MI का ही नहीं करते, सारे मॉडल का भी कर लेते हैं। तो आपको आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जितने जितने से ज़्यादा अगर शेयर करेंगे उतने भाई के हमारे जो फ्रेशर्स हैं उन तक ये वीडियो मिलेगा और वो भी अपना काम कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे बेल आइकन को क्लिक करिए, तो आपको जब भी नया कोई वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा।
ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।